बिग बॉस के अंदर सौतन्य अरमान पर लुटाया ऐसा प्यार, भड़की अरमान की पहली पत्नी पायल और कर दिया अलग रहने का ऐलान। अरमान मलिक से पहली पत्नी पायल शर्मा का होगा तलाक, रोते हुए सोशल मीडिया पर कर दिया ऐलान, वजह जानकर हैरान रह जाएंगे आप। अमीर बनते ही अरमान की पहली पत्नी पायल के बदल गए तेवर, कंगाल हो जाएगा बरबान मलिक, पहली पत्नी पायल लेंगी अब बदला। अचानक आखिर ऐसा क्या हुआ कि अरमान की पहली पत्नी हमेशा के लिए अब अलग होना चाहती हैं? जिस बात की फैंस ने पहली कर दी थी भविष्यवाणी वही हो गया, सामने आ गया ऐसा काला सच। देखकर अरमान की पहली पत्नी के उड़ गए होश, बिग बॉस के बाहर चौपट हो जाएगा अरमान का करियर, कृतिका भाभी भी होने लगी बेचैन, पहली पत्नी ने कहा छोड़कर बच्चों के साथ रहूंगी अलग। उधर बिग बॉस के अंदर दूसरी पत्नी के साथ मौज कर रहे अरमान मलिक, इधर पहली पत्नी पायल ने कर दिया तलाक लेने का ऐलान। सोशल मीडिया पर रोते हुए बताई ऐसी बात कि फैंस भी भावुक हो गए। कहते हैं हालात और जज्बात हमेशा एक जैसे नहीं होते हैं। एक वक्त वो था जब अपनी पहली पत्नी की मजबूरी का फायदा अरमान ने उठाया था और दूसरी शादी कृतिका के साथ कर ली थी, लेकिन अब दूसरा मौका पायल के पास आ गया है और पायल ने पहली बार खुला ऐलान कर दिया है कि वो अपने 3 बच्चों के साथ अरमान से अलग होने के लिए तैयार हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि पायल मलिक ने इतना बड़ा फैसला लिया और बिग बॉस के घर के अंदर अरमान ने अपनी दूसरी पत्नी के साथ आखिर ऐसा क्या किया जिसे देखकर पहली पत्नी पायल भड़क उठी। बिग बॉस के घर के अंदर भी ऐसा कहा जाता है कि अरमान अपनी दूसरी पत्नी को ज्यादा पसंद करते हैं और कृतिका के साथ ज्यादा क्लोज भी रहते हैं। जब अरमान की दोनों पत्नी बिग बॉस के अंदर थीं, उस दौरान एक वीडियो सामने पूल का आया था जिसमें अरमान कृतिका को पानी में उतार रहे जबकि पायल खुद ही उतर रही थी। इसके बाद भी हमेशा अरमान पायल से ज्यादा कृतिका के करीब रहे। इधर घर के बाहर अरमान एंड फैमिली को लोग खूब ट्रोल कर रहे। इतना ही नहीं, तीनों के रिश्ते का मजाक भी उड़ाया जा रहा है। पायल ने बिग बॉस के अंदर खुद बताया था कि उनसे छुपकर अरमान ने उनकी दोस्त कृतिका से शादी की थी, जिसके बाद अरमान से वो अलग भी हो गई थी, लेकिन तब पायल के पास पैसे भी नहीं थे कि वो खुद को और अपने बच्चे को पाल पाए। ऐसे में फिर से मजबूरी में अरमान के पास आना पड़ा और इस तरह से तीनों साथ रहने लगे थे। लेकिन बिग बॉस के अंदर आने के बाद पायल को बहुत ज्यादा पॉपुलरिटी मिल गई है, पैसा शोहरत सब कुछ हासिल कर लिया। शायद यही वजह है कि पायल ने अब अरमान से तलाक लेने का फैसला किया है। अपने एक नए ब्लॉग में पायल मलिक ने बहुत ज्यादा नफरत और ट्रोलिंग मिलने के बाद अरमान के साथ अपने रिश्ते को खत्म करने की इच्छा जाहिर की है। पायल ने YouTube पर अपने वीडियो में खुलासा किया है कि वो अरमान के साथ अपना रिश्ता खत्म कर देंगी। उन्होंने कहा है कि अब वो अरमान से अलग हो जाएंगी क्योंकि किसी को भी ये बात पसंद नहीं आई कि दोनों औरतें एक ही पति के साथ खुशी खुशी रहती हैं। पायल ने आगे बताया है कि अरमान और कृतिका के शो से बाहर आने के बाद वो ये फैसला लेंगी और अलग हो जाएंगी। पायल मलिक ने कहा है कि कोई नहीं चाहता है कि हम साथ रहें, इसलिए मैंने भी फैसला लिया है कि अब अरमान और कृतिका ही एक साथ जिंदगी भर रहें और मैं अपने बच्चों को लेकर अलग रहूंगी। दरअसल अरमान एंड फैमिली के चाहने वाले भी अब उनको ताने मार रहे हैं। इतना ही नहीं, बिग बॉस के अंदर तो अरमान की दूसरी पत्नी ने यहां तक कह दिया है कि उन्हें डर है कि घर से बाहर जब वो निकले तो कहीं ऐसा ना हो कि उनके सारे सब्सक्राइबर ही खत्म हो जाएं। पायल मलिक ने बिग बॉस में जाकर जब शिवानी के ऊपर सवाल उठाए थे उस वक्त भी उनको ट्रोल किया गया था, लेकिन पायल अब खुद अपने पैरों पर खड़ी हो गई हैं। अब अरमान के सहारे की जरूरत नहीं है। अरमान मलिक पर एक 11 साल की बच्ची के साथ गलत काम करने का भी आरोप लगा है और उनके खिलाफ FIR भी दर्ज है। ऐसे में शायद पायल को पता चल गया है कि आगे की जिंदगी आसान नहीं होने वाली है, इसलिए अब अलग होना ही सही रहेगा। अरमान पहले कह चुके हैं कि उनकी पूरी प्रॉपर्टी उनकी पत्नियों के नाम है। ऐसे में अगर ये तलाक होता है तो अरमान मलिक बर्बाद हो सकते हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या पायल को अरमान से तलाक लेना चाहिए या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट करके आप जरूर दें। दुर्भाग्य।